स्ट्रैटेजी सॉफ्ट एंड ट्रिक्स। तो दोस्तों आज मैं आपको कोरल ड्रा के बारे में बहुत ही अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ, वो ये है कि हम कोरल ड्रा के लिए इंटरनेट कनेक्शन कैसे ब्लॉक कर सकते हैं, यानी हम कोरल ड्रा को परमानेंटली ऑफलाइन कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मैं दिखाऊँ, इंटरनेट कनेक्टेड है मेरा और ये आप देख सकते हैं कि ये अपग्रेड मांग रहा है और इसको अब ऑफलाइन करना है हमने। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे कंट्रोल पैनल में, उसके बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे विंडो डिफेंडर फायरवॉल। इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे एडवांस सेटिंग में, इनबाउंड रूल्स पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी पुराना रूल ऐड है कोरल ड्रा को, उसको पहले सिंपली डिलीट करेंगे यहाँ से। यहाँ से जाके न्यू रूल ऐड करेंगे, प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे प्रोग्राम का पाथ सेलेक्ट करेंगे, सिंपली इस पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे और इसका एड्रेस जो है ना हम कॉपी कर लेंगे। इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे। कोरल ड्रा की फाइल को सिलेक्ट करेंगे और ओपन कर देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपने ब्लॉक द इंटरनेट कनेक्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट। तो दोस्तों आपका इन तीनों में से कोई सा भी नेटवर्क हो सकता है, तो आपने तीनों पर क्लिक करना है। नेक्स्ट। यहाँ पर हम इसको नाम देंगे जो भी हमने रूल ऐड किया है। इनबाउंड के लिए रूल ऐड हो चुका है, अब आउटबाउंड के लिए सेम वैसे ही जा करके रूल ऐड करेंगे। ये हमारा ऑलरेडी कॉपी था, सिंपली इसको ओपन करेंगे, लॉक द इंटरनेट कनेक्शन। नेक्स्ट। दोस्तों अब हम चेक करते हैं, तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा इंटरनेट कनेक्टेड है और हमारा कोरल ड्रा ऑफलाइन हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे नई आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।